नमस्कार, मैं सोनू कुमारी, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। खबर है बाराबंकी से। बता दें, आर्थिक तंगी व कर्ज के बोझ तले दबे गृह स्वामी ने अपनी पत्नी व तीन बच्चों की हत्या करके खुद फांसी लगा करके जान दे दी है। बता दें, आज सुबह 500 मिलने की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। सनसनीखेज वारदात की सूचना पाकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी गाँव पहुंचे। मामले की जाँच के लिए फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड जाँच में लगाई गई है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद गाँव का है। विवेक शुक्ला अपनी पत्नी व तीन बच्चों के साथ यहीं रहते थे। कई दिनों से उनके घर से कोई आहट न मिलने पर दूसरे मकान में अलग रहने वाले विवेक शुक्ला के मां ने छत के आंगन से झांक कर देखा तो मां बेटे के शव को फंदे से लटका देख करके पैरों तले जमीन खिसक गई और शोर मचाया गया। मां को रोता बिलकता देख छोटा बेटा मोहित घर के अंदर गया तो वहाँ भाई विवेक, उनकी पत्नी अनामिका शुक्ला, उनकी बेटी कोयम व कोयना तथा बेटे बबलू का शव देखकर दंग रह गए। इसकी सूचना मोहित ने पुलिस को दे दी है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।